मेरी उम्र तकरीबन चालीस साल मेरी दो बेटियाँ शादीशुदा भी हैं और नवासियाँ भी हैं अमदल्ला क्या मैं बच्चे बंद करवा सकती हूँ करवाने का ऑपरेशन करवा सकती हूँ बिल्कुल नहीं ऑपरेशन किसी कीमत पर जायज़ नहीं है और वैसे भी ये तो आपके लिए फ़ख्र की बात है आपके भी औलाद होगी आपकी बेटियों की भी औलाद होगी तो आप फ़ख्र से कह सकेंगे भाई देखो मेरी बेटियों की शादियाँ हो गई उनकी औलादें हो गई मगर माशा मैं अब तक सेहतमंद हूँ जवान हूँ ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें कि जब औरत बच्चों की पैदाइश रोकती है तो फौरन बुढ़ापा शुरू हुआ है ये बात तयशुदा है मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था एक साल तकरीबन एक डेढ़ साल पहले उसमें यूरोप के जो मेडिकल साइंस के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और गायनी के डॉक्टर हैं ख़ास तौर पर और नोबल इनाम याफ़्त डॉक्टर हैं उनके रेफरेंस उनकी किताबों से मैंने पेश किए थे कि औरत के लिए विलादत के अमल से गुजरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी नेचर का हिस्सा है अगर वो ये सिलसिला रोक लेगी तो उससे पेचीदगियाँ पैदा होंगी उसकी बॉडी में मसाइल पैदा होंगे तो इसलिए जो ख़वात चाहती हैं कि वो अच्छी सेहत रहे उनकी जवानी बरकरार रहे तो उनको नस्ल नहीं रोकनी चाहिए हाँ ये ज़रूर है कि जो औलाद जिनके यहाँ होती है उसके लिए जाहिर है सेहत भी चाहिए खुराक भी चाहिए तो खुराक को फोकस करना चाहिए बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है कि जो शख्स वर्जिश करता है ना एक्सरसाइज करता है जिम जाता है या जॉगिंग करता है जॉगिंग करने के बाद आप देखें उस बेचारे की हालत ख़राब होती है एकदम एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा सरव हुई हुई होती है पसीना आ रहा होता है और बिस्तर पर आगे पड़ जाता है तो इसकी इस कंडीशन को देख के अगर कोई यह कहे कि जॉगिंग करने से सेहत ख़राब होती है देखो वो जॉगिंग करके आया उसका क्या हाल हुआ है तो ये कैसी गैर माकूल दलील होगी इसलिए कि भाई वो वक्ती तौर पर है अब जब यह खुराक खाएगा तो दूसरों से ज़्यादा ये खुराक इसकी बॉडी को लगेगी और दूसरों से ज़्यादा ये इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी तो जैसे वर्जिश का असूल है कि एक्सरसाइज़ के बाद आपकी एनर्जी बहुत यूटिलाइज़ होती है इसलिए वक्ती तौर पर आप कमज़ोर भी होते हैं लेकिन आप पे मोटापा नहीं आता आप जो खुराक खाते हैं वो एनर्जी उससे पैदा होती है और वो एनर्जी फिर यूटिलाइज़ होती है तो ये पूरा एक सर्कल चलता है जिससे आप जवान रहते हैं तो बेनी यही हाल उन ख़ात के साथ है जो बाकायदा विलादत के अमल से गुजरती हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है वक्ती तौर तो पर विलादत के बाद वो कमज़ोर हो जाती हैं लेकिन जब फिर खुराक खाना शुरू करती हैं तो दोबारा ये रिकवरी होती है और पहले से ज़्यादा अच्छी उनकी हालत हो जाती है तो जो इस प्रोसेस से आप देखें ना पहले ज़माने की जो खुतिन थी जो हमारी दादियाँ नानियाँ थीं वो तो जानती नहीं थी बर्थ कंट्रोल क्या होता है उनके ज़माने में ना ऐसी दवाएँ थी ना वो उनको पता था कि ये क्या होता है तो उनके यहाँ तो बहुत औलादें होती थी और नवे नब्बे पिचानवे पिचानवे साल उन्होंने ज़िंदियाँ गुजारी हैं और ना उनमें मोटापा आता था जो बाई नेचर जिनका वज़न ज़्यादा हो वही होती थी वरना तो आज आप देखें कि ख़वात की हालत क्या हो गई है शादी के बाद जो उन पर एक मोटापा चढ़ना शुरू होता है और फिर एक मोटापा एक बज़ात खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है ये वजह उसकी है कि फ़ितरत से लड़ रही हैं औरत के बारे में जो ये जो कहा जाता है कि बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है तो ये सिर्फ़ लफाजी है फ़ितरत ने औरत के ज़िम्मे ये काम लगाया है उसकी बॉडी को जो डिज़ाइन किया है उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से है कि ये दीगर दूसरे काम के साथ नस्ल को भी बढ़ाएगी तो अगर ये आप इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर रोक लेंगे किसी भी तरीके से तो ये नेचर से एक किस्म की बगावत होगी तो इसलिए इस बारे में आप गम ना करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारी कसरत पे फ़ख्र करूँगा हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला का कॉल है सऊदा उलूदन अहबूल ही मिनहसन अलतीला तलिद वो स्याह काली स्याह औरत जो बच्चे जनती हो अल्लाह को उस औरत से ज़्यादा महबूब है जो खूबसूरत हो मगर औलाद न जनती हो वजह उसकी है कि आज मुसलमानों की जो इतनी बड़ी आबादी है ये तो हमारी माएँ माएँ जो हैं ये बच्चे जनती रही हैं जिसकी वजह से हमें भी हयात मिली और आज दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं अगर ये माएँ विलादत बच्चे ना जनती या रोक लेती या ग्रोथ रेशो कम कर देती तो आज मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी ना होती दुनिया में कि वो एक अपना मकाम रखते जो है ना ये इस्लाम दुश्मन इनको खा के ख़त्म कर देते तो इसलिए नेचर का भी यही हुक्म है और कुरान का भी यही हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है फितरत का भी यही हुक्म है और आपकी सेहत की भी रिक्वायरमेंट यही है कि नस्ल मत रोकें नसल को बढ़ने दें और ये आपके दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी जब आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो यही औलाद है जितनी आपकी औलाद होगी आप उतनी ऐश वशरत वाली ज़िंदगी गुजारेंगी तो इसलिए इसमें अल्लाह पे तवक्कुल और करना चाहिए हाँ कोई बीमारी हो किसी डॉक्टर ने बाकायदा बताया हो और डॉक्टर भी वाकई डॉक्टर हो वो उसने बाकायदा बताया हो कि आपको विलादत के यानी कोई बीमारी जिसम में ऐसी लाहिक हो गई है कि अगर आपने औलाद मज़ीद पैदा की तो आपको ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ऐसी सूरत में वक्ती तौर पर रोकी जा सकती है ऑपरेशन फिर भी जायज़ नहीं है